गुड इवनिंग, आप लोगों का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के वंडरफुल दुनिया में मैं स्वागत करता हूं विवेकानंद तिवारी। और इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान में एज ए सीनियर मैनेजर हूं और पिछले 9 सालों से एक जबरदस्त कैरियर के रूप में इस फॉरएवर के साथ में अटैच हूं। फॉरएवर करने के पहले ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब में बिहार गवर्नमेंट में मेरी पोस्टिंग थी और वो मैं 1996 से इस जॉब को कर रहा था। 2011 में मेरी लाइफ में फॉरएवर आया और फिर ये लाइफ में आने के बाद मेरा लाइफ स्टाइल बन गया, पूरी फैमिली की लाइफ स्टाइल बन गया। बेसिकली रहने वाला बिहार पटना से हूँ और आज फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान की पावर की बदौलत मैं दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में फॉरएवर के ही इनकम से अपने एक जबरदस्त घर में हूँ, जो कि फॉरएवर ने मुझे 8-9 साल के अंदर वो सारी खुशियाँ दी, वो सारे सपने मेरे पूरे किए जिनको शायद मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था कि मेरी लाइफ में वो सपने पूरे होंगे। सो मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में फॉरएवर को एज ए वरदान के रूप में भेजा और थैंक्स भी रेक्स सर का कि जो उन्होंने इतनी वंडरफुल कंपनी प्रोडक्ट प्लान बनाया जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ होता है प्रेरणा। ये हमेशा हमारे वाई को क्लियर करता है। कहते हैं कि जैसे अगर हम किसी पुराने जमाने में खाना बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का जो इस्तेमाल करते थे तो जो लकड़ी के चूल्हे के अंदर लकड़ी लगाई जाती है वो हमारा एजुकेशन होता है जो निरंतर आना चाहिए और जिससे लकड़ी जलती है वो हमारा मोटिवेशन होता है। किसी भी एजुकेशन को यूज करने के लिए हमें मोटिवेशन की, हमें प्रेरणा की जरूरत होती है और मोटिवेशन हमें एक्टिव रखता है, हमारे सपनों को पूरा करने में जबरदस्त प्रेरणा देता है। तो जैसे मैंने मोटिवेशन की बात कही, अपने बारे में थोड़ी सी मैं 2-4 मिनट आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी और मैं फॉरएवर क्यों कर रहा हूं। क्योंकि कहते हैं कि आज के डेट में लोग सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो उसके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जॉब का मतलब ही होता है स्टेबिलिटी। तो फिर क्या कारण था कि एक हॉस्पिटल में जॉब, एक बेहतरीन जॉब करने वाला व्यक्ति फॉरएवर को एज ए करियर के रूप में लेकर चला। तो यहां पे हम बात करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी उसमें कुछ हेल्थ चैलेंज थे, इसके प्रोडक्ट हमारे लाइफ में आए और वो जो प्रोडक्ट थे वो मिरेकल रिजल्ट दिया। मिरेकल बिल्कुल, वो एक प्रकार से आपका मेडिकल साइंस का एक मिरेकल रिजल्ट था। और फिर जब ये आया तो मुझे लगा कि जब ये एक अच्छा हेल्थ दे सकता है और ये प्रोडक्ट का जो फायदा हुआ था मेरी फैमिली में, मेरे पापा को, मेरी पत्नी को और कुछ मुझे भी, तो अगल बगल जो भी मेरे नियर एंड डियर थे वो लोग आके मेरे हेल्थ के चैलेंज जो सही हुआ था उसके बारे में उन्होंने पूछना शुरू किया और मुझे भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं उन चीजों के साथ शेयर करता चला गया जो रियल में मेरे प्रोडक्ट के यूज करने से मेरी फैमिली में जो रिजल्ट आए थे, जो हेल्थ में बेहतर रिजल्ट आए थे, इस प्रोडक्ट की पावरफुल जो कॉम्बिनेशन था, जो रिजल्ट था वो मेरी लाइफ में आए थे। जब मैंने शेयर करना शुरू किया, सामने लोगों को रिजल्ट दिखा था तो उन्होंने अपने कुछ हेल्थ के लिए, कुछ पर्सनल केयर के लिए, कुछ स्किन केयर के लिए उन्होंने प्रोडक्ट हमसे बोलना शुरू किया। मैंने वो प्रोडक्ट उन्हें दिल्ली से, उस समय हम लोग पटना में थे और हमारी आरडीओ भी 2011 में पटना में अवेलेबल नहीं थी, लखनऊ में थी और दिल्ली में थी। मैं दिल्ली में अपने अपलाइन को प्रोडक्ट के जो भी ऑर्डर आते थे मैं उनके अकाउंट्स में पैसे जमा करता था, बोलता था कि आप मुझे वो कुरियर कर दीजिएगा। वो 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन लगते थे और कुरियर आते थे और आते आते मैं उसे
पूरे उत्साह के साथ अपने लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा पहला चेक एक बहुत प्यारा सा चेक आया था। और उस चेक को देख के मुझे ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट का, विदाउट एक्स्ट्रा टाइम दिए के, पार्ट टाइम में भी हम एक अच्छा सा अर्निंग कर सकते हैं। और दिमाग में एक चीज और बैठ गई कि हम एक ऐसा इस काम को कर रहे हैं जिसमें हमें कोई साइड इफेक्ट, नुकसान, कोई प्रॉब्लम्स, या तो हेल्थ के प्रॉब्लम पे, या कहीं कोई आर्थिक कोई समस्या, या कोई सोशल कुछ ऐसी चीजें नहीं हो पा रही है जहां हमें अंदर से शर्म जैसा महसूस हो कि हाँ हम एज ए सेल्समैन की तरह इस फोटो को दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो कंपनी का बीओपीपी में जो स्लाइड कहता है कि हमें करना क्या है, हमें केवल प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर करना है। और ऑलरेडी हम लोग तो उस शेयर को करते ही थे, हम किसी अच्छे पिक्चर को भी शेयर करते थे, किसी अच्छे टीचर को भी शेयर करते थे कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छे कोचिंग है, आप भी डाले आपको बेहतर होगा। तो बिल्कुल वही काम था, मैं पूरे अंदर से उत्साह, एनर्जी, जोश के साथ लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में मैं शेयर करता था। जब वो उत्साह और एनर्जी और एक बिलीव दिखता था, प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखता था, तो लोग तेजी से आते थे। मुझे याद है कि हमारे घर में उस समय एलो लिक्विड सोप होते थे, हनी होते थे, और जो भी मेरे नियर एंड डियर आते थे, चाय पे आए, चाहे ऐसे भी मिलने के लिए आए, मेरे अंदर उतना ज्यादा एक बच्चे की तरह उत्साह था कि मैं आने के बाद बोलता था, अरे आपके चेहरा पे अजीब सा लग रहा है, ऐसा करिए ना, चलिए पहले चेहरा धो लीजिए। वो लेडीज होती थी या जेंट्स होते थे, वाइफ के साथ में बात करता था, वो बोलते नहीं नहीं ठीक है। मैं बोलता नहीं नहीं एक बहुत ही अच्छा ऐसा लिक्विड सोप आया जो आपके आंखों में बिल्कुल कोई जलन नहीं देगा। और जबरदस्ती मैं उनको साथ में लेके वॉशरूम में जाता था और येलो लिक्विड सोप अपने हाथ से उनको देता था। वहां पे दो तीन लोग जो भी उनके साथ आते थे और बिल्कुल वो ऐसे रेप करके, और फिर जब चेहरा धोते थे, धोने के बाद मैं अपने हाथ में तौलिया लेके रखता था, तौलिया से जब वो साफ करते थे तो मैं बोलता था कि अब ऐसा करिए, आप एक दूसरे को देख के देखिए कि कितना ग्लो दे रहा। और फिर जैसे ही उन्हें ग्लो दिखता था और फिर कैसे क्या है इसके अंदर क्या क्या, वो पूछना शुरू कर देते थे। और मुझे याद है कि जब मैं उन्हें प्रैक्टिकल जब यूज कराता था मेरे घर पे, जो भी लोग आते थे, मैं किसी को छोड़ता नहीं था, और पर डे एक दो लिक्विड सोप के ऑर्डर आने शुरू हो जाते थे। हनी के लिए मैं क्या करता था कि हनी अपने जो भी आते थे, हनी मंगाता था, चम्मच, तीन चार चम्मच लाता था, उसमें हनी डालता था, बोलता था कि आप जितनी भी हनी आपने लिया होगा एक बार इस हनी को टेस्ट करके देखिए, जबरदस्त हनी है, एक्सपीरियंस है। फिर मैं उन्हें हनी टेस्ट कराता था। रियली में हमारे प्रोडक्ट मिरेकल है, हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड और यूनिक प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो वो उन्हें डिफरेंसेस दिख जाता था, जैसे वो प्रोडक्ट उनके अंदर जाता था, उनके बॉडी में जाता था। और जाने के बाद तीन से चार लोग, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं हनी को लोग जान रहे होते थे, क्योंकि बेस्ट हनी उन्हें चाहिए होता था। और जैसे ही ये हनी उनके मुंह में जाता था, वो बोलते थे ऐसा करिए कि दो हनी का बोतल मुझे मंगा दीजिए। कोई बोलता था मुझे टूट जेल आप मंगा दीजिए, टूट जेल लेके मैं उन्हें, मतलब जो भी लिप बाम होते थे, मैं उन्हें रेगुलर वे में जो भी लोग आते थे उन्हें मैं इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया था मार्च अप्रैल में, जो 2011 में मैं जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बना था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे साथ कुछ लोग अटैच होते गए और वो लोग कुछ अपने रिलेटिव, कुछ अपने नियर एंड डियर को हमसे मिलवाना शुरू किए, फोन कॉल के द्वारा अपने घर पे बुलाते थे, या उन्हें लेके मेरे घर पे आते थे, या कभी कभी हम और वो जो मेरे साथ थे उनके साथ हम लोग उनके उनके रिलेटिव के पास, उनके फ्रेंड के पास गाड़ी से जाते थे। और मुझे याद है कि लगभग मैं 2 से 3 महीने इतने ज्यादा एक्साइटेड था कि 2 से 3 महीने मैंने हॉस्पिटल से अपनी सीएल और ईएल ग्रांट करा लिया, और ईएल और ये सारा ग्रांट करा के मैं एकदम बिल्कुल 24 आवर्स की तरह इसमें मैं लग गया। मेरा काम होता था, एक मेरी डायरी होती थी, डायरी में लोगों के जिन्हें हमारी टीम में प्रोडक्ट चाहिए प्रोडक्ट लिखते थे, उन्होंने क्या डिपॉजिट किए, फिर उसका हिसाब रखता था। और वहां से पटना से लगभग 600 किलोमीटर दूर लखनऊ पड़ता था। मैं क्या करता था कि सैटरडे 10 बजे 12 बजे 2 बजे तक मैं 6 दिन में पैसे लोगों से कलेक्ट करता था, लोगों के फॉर्म कलेक्ट करता था, और अपना एक दो डेबिट कार्ड लेकर मैं शाम वाली ट्रेन से अकेले सिंगल मैं पटना से लखनऊ चला जाता था। लखनऊ सुबह उतरता था और सुबह उतर के एक होटल में बैठा, फ्रेश व्रेश हुआ, फिर मैं अशोक मार्ग में जो इसकी ऑफिस थी वहां चला जाता था, एक टेबल पे बैठ जाता था
और वो 20-30 जो भी फॉर्म होते थे उनपे जो ऑर्डर फॉर्म लेके वो सारे लोग चीजों को भरना, डायरी में से देखना, फोन ऑन करना, लोगों के ऑर्डर लेना, लोगों की चीजों को करना, और करते 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 वो शाम 5:30 हो जाते थे। फिर वो लगभग 1.5-2 लाख के प्रोडक्ट हो जाते थे। फिर उस प्रोडक्ट को पैकिंग करा के ऑटो पे बुला के उस पे रख के और लखनऊ में अकेले हजरतगंज वो फिर वहां आना, रेलवे स्टेशन आना, रेलवे स्टेशन आके रात वाली वो मेरी ट्रेन रिजर्व रहती थी, कुली को रोक देना, साथ में उसमें सामान पहुंचा के, और रात सुबह जैसे ही पटना जंक्शन उतरता था या तो मैं अपने ड्राइवर को बुला लेता था गाड़ी से, नहीं तो अगर नहीं है तो मैं खुद ऑटो पे वो सारे कार्टून को लेके रखता था। और सुबह 6:30-7 बजे आते थे, वाइफ बोलती थी कि पहले आप ब्रश कर लीजिए, ये कर लीजिए, मैं कहता था कि नहीं, मैं सभी का हिसाब कर रहा हूँ, और तुरंत कॉल करना, मंडे के सुबह में कॉल करना लोगों को शुरू कर देता था कि आपके प्रोडक्ट आ गए, आप आ जाए, या मैं आपके पास पहुंचा रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं उन लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचाना स्टार्ट कर देता था। मुझे लगता था कि जितनी जल्दी प्रोडक्ट जाएंगे उतनी जल्दी ये लोग यूज करेंगे तो आगे तुरंत दोबारा से मुझे ऑर्डर मिलेगा। मैं अपनी एक्साइटमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब इतने अच्छे लेवल पे रहने के बाद भी, मैं जब गाड़ी से लेके किसी के सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे, वो एक टीचर थी, और जब उनके पास प्रोडक्ट ले जाना होता था, जेल लेटर फ्रीडम कुछ वो प्रोडक्ट होते थे, मैं उस कार्टून को चूंकि सेकेंड फ्लोर तक जाना था तो कंधे पैसे उठा के, और मैं एकदम शौक से खुशी के साथ, मैं भूल गया था कि मैं कौन, और खुशी के साथ जब मैं तेजी से चढ़ते ऊपर लेके जाता था और लेके, तो उन्हें भी अजीब सा लगता था, वो सॉरी सॉरी बोलने लगते थे कि आप ये कर रहे हैं, आप इतने बड़े लेवल, आपके पास सब कुछ है। वाइफ ने भी बोला कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग का करियर एक स्टेबल करियर है, सब कुछ बेस्ट है, और आप ये एक एकदम बिल्कुल स्ट्रगलर की तरह आप ये काम कर रहे हैं, कंधे पे आप कार्टून को रख रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। तो मैं उसी समय 2011 की बात है, मई या जून की बात है, मैं उनको बोलता था कि ऐसा है कि आज मैं फॉरएवर को कंधे पे उठा रहा हूं, याद रखना पूरी जिंदगी फॉरएवर हम दोनों को कंधे पे उठाएगी। और एक वो दिन, वो वर्ड, और एक आज का वर्ड मुझे याद है, जब पहला साल ही हम लोगों ने ईगल मैनेजर क्वालिफाई कर लिया था, मैनेजर होने के बाद 2012 में, क्योंकि उस समय जनवरी टू दिसंबर ईगल मैनेजर का क्वालिफिकेशन था, और मेरा जनवरी 31 को मेरा मैनेजर फाइनल होता, मेरे पास 11 महीने थे, और 11 महीने में मुझे ईगल करना था। तो अंदर से एक एक्साइटमेंट था कि जब मुझे काम ही करना है तो क्यों नहीं मैं एक ईगल बन के जाऊँ, और वो ईगल के लिए उस समय पेरिस सर्डिनिया में था। और फिर हम लोगों ने 11 महीने में तेजी के साथ जिस स्पीड को हमने मेंटेन किया था, उस स्पीड को हम बढ़ाते गए। मुझे याद आता है कि सुबह 5 बजे भी मैं निकल जाता था वो पिट्ठू लेके, कभी बाइक से, कभी 4-व्हीलर से, और रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब तक 2 से 3 ज्वाइनिंग नहीं निकल जाती थी तब तक लगता था कि नहीं कुछ खाली है, अंदर से इतनी संतुष्टि आती थी, वो एक एक्साइटमेंट था। तो इसी तरह करते हुए जब हम लोग रियली में ईगल मैनेजर हम लोग का हुआ, और जब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस की हम लोग की फ्लाइट थी लगभग 1 बजे रात की, जब हम और वाइफ बैठे फॉरवर के और सारे डिस्ट्रीब्यूटर और सारे अपने फ्रेंड सर्किल में, तो जो खिड़की वाली सीट थी वाइफ ने लिया था विंडो वाली, और बगल में हम बैठे थे, तो मैंने एक ही बात उनसे कहा, आज जो इंटरनेशनल टूर पेरिस और रोम और वेनिस जैसा जगह पे हम लोग जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है जिस दिन मैंने फॉरएवर को अपने कंधे पे उठाया था, अपने दिल में सम्मान दिया था ना, उसी का रिजल्ट है। अगर मैं फॉरएवर को कंधे पे नहीं उठाता तो आज हम लोग 30,000-40,000 फीट की ऊंचाइयों पे नहीं उड़ रहे होते, और पेरिस जैसे और ऐसी जगहों पे, रोम जैसी जगहों पे हम कभी नहीं घूम रहे होते। याद रखिएगा कि किसी भी किसान का फसल जो उसके घर में दिखता है, उसका जो लेवल होता है फसल की क्वालिटी जो होती है ना, वो किसान के मेहनत पे डिपेंड करती है। जिस दिन किसान अपने खेत में उस धूप में, उस बारिश में, उस ठंडे में किसान सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत करता है, उसी का रिजल्ट वो
फसल होता है। हम फॉरएवर में जिस लेवल को आज इंजॉय कर रहे हैं, जरूर सोचना है कि ये लेवल जो है ना हमारे पूर्व के किए हुए मेहनत का है। अगर हम इस लेवल को रेगुलर एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो जिस तरीका से हमने शुरुआती दौर में इस फॉरएवर को किया था, जिस एक्साइटमेंट के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस परिश्रम के साथ, और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा एक शब्द होता है जिस ईमानदारी के साथ, अगर हम इस फॉरएवर को ईमानदारी के साथ करते हैं ना, तो दुनिया की जितने भी फॉरएवर के अंदर अचीवमेंट है, जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं, वो फॉरएवर हमें देने के लिए तैयार है। मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था सचिन तेंदुलकर का एक बहुत ही खूबसूरत टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी इंटरव्यू निकली थी। इंटरव्यू लेने वाले ने सचिन तेंदुलकर से पूछा था, क्या आप बताएं कि आप क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, आपका क्रिकेट खेलने का जो प्रैक्टिस करते हैं उसका क्या तरीका है, क्यों आप यहाँ पे इतने बड़े हुए, क्रिकेट में इतने बड़े लेवल पे गए, एक इंटरनेशनल लेवल में, और एक बहुत बड़ा आप इसका जीता जागता एक भगवान की तरह आपको क्रिकेट में माना जाता है। उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट ठीक केवल नहीं खेलता हूँ, मैं केवल क्रिकेट ही नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट को खाता भी हूँ, मैं क्रिकेट को पीता भी हूँ, मैं क्रिकेट के साथ चलता भी हूँ, मैं क्रिकेट के साथ रिलेशन भी है, मैं क्रिकेट के साथ सोता हूँ, मैं क्रिकेट के साथ जगता हूँ। यानी कि जब पूरे बॉडी में, पूरे दिमाग, पूरे शरीर में, पूरे चेतन अवचेतन मन में क्रिकेट ही क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का था, तभी वो इस क्रिकेट के महान हुए। ये एक एग्जाम्पल है। हम अगर फॉरएवर में है तो हम फॉरएवर केवल करना नहीं है, हमें सोना भी फॉरएवर के साथ है, हमें जगना भी फॉरएवर के साथ है, हमें बात भी फॉरएवर के साथ है, हमारा पूजा भी फॉरएवर है, हमारा मस्ती भी फॉरएवर है। जिस दिन हमारी मस्ती, हमारा सब कुछ, पूरे हमारे चेतन और चेतन में खुद हम जिस दिन अपने आप में फॉरएवर हो जाएंगे ना, उस दिन फॉरएवर के एक लीजेंड बन जाएंगे, फॉरएवर के एक महानतम। आज जैसे रोल किप जी हैं, आज जैसे जेन लिच मैम है, आज हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस दिन हम फॉरएवर को। उनसे पूछा गया कि क्या करते, उन्होंने कहा कि मैं सुबह 6 बजे रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह 6 बजे रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। तो फिर उनसे पूछा गया, ठीक है, लेकिन जिस दिन आप सेंचुरी या डबल सेंचुरी मारते हैं, क्या दूसरा दिन भी आप प्रैक्टिस करते हैं, कि आप रिलैक्स रह के अपने व्हाट्सएप और पेपर को देखते हैं जो आपने मारा? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिस दिन सेंचुरी मारता हूँ या डबल सेंचुरी है, तो भी दूसरा दिन मैं सुबह 6 बजे नेट पे ही होता हूँ, और कम से कम 1000 बॉल को मैं फेस करता हूँ, क्योंकि सफलता को मेंटेन करना भी एक कठिनतम चीज है, और सफलता से फिर आगे की सफलता लेना और आगे का सक्सेस लेना भी एक कठिन चीज है, और जिस दिन मैंने प्रैक्टिस छोड़ दिया, वो सफलता मेरे से रूठ जाएगी। अगर हम इसे फॉरएवर के साथ एसोसिएट करें, तो सुबह 6 बजे 5 बजे जब भी हम उठते हैं, तो हमारा प्रैक्टिस क्या है, सुबह सुबह अपने कुछ लोगों को कॉल करना, अपनी टीम को देखना, उनके टोटल सीसीज को देखना, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनका कौन सा लेवल इस मंथ निकलना है, उनको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, इस चीज पे सुबह सुबह उठ के अपने पूरे टीम को, जैसे एक अच्छा बिजनेसमैन अपने पूरे एंटायर बिजनेस को देखता है, वही काम हमारी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। पर डे सुबह कम से कम 5 लोगों से बात, नए लोगों से करनी है, जो कि हम कहीं से भी उन्हें ला सकते हैं, या तो हम ऑनलाइन जो फेसबुक फ्रेंड्स आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, हमारे दुकान से आते हैं, किसी भी तरह से जो 4 से 5 लोगों को हमें पर डे कॉल करना होता है। अगर इस रेगुलर प्रैक्टिस को हम अपने लाइफ में बना लें कि कुछ भी हो जाए, मेरा कल मैनेजर निकला हो, मेरा कार प्लान अचीव हुआ हो, मैं सोरिंग में हूँ, मैं सफायर में हूँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे न्यू ज्वाइनिंग की, न्यू लोगों से बात करने की प्रैक्टिस को एकदम मेंटेन करना है, वो टाइम मेरा 6 बजे सुबह से लेकर 8 बजे तक एनी हाउ होना चाहिए, ये काम 2 घंटे मैं केवल और केवल नए लोगों के साथ करूंगा। फिर वहां पे तेंदुलकर जी से जब बात हुई थी, तो उसी में इंटरव्यूअर ने एक सवाल के अंदर से एक सवाल खड़ा कर लिया था कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या मतलब है। वो कहते हैं, देखिए, लाइफ में सफलता का कोई पैमाना नहीं होता कि आप इस सेक्टर में जाएंगे तो सफल होंगे या इस सेक्टर में सफल होंगे। सफलता का पैमाना होता है कि अगर आप
सूज के काम में है तो आप बाटा बने, अगर लोहा के काम में है तो आप टाटा बने, यानी जिस काम को आप कर रहे हैं उसके टॉप लेवल पे उसके मास्टर बन जाए। जब आप मास्टर बन जाते हैं तो आप वहां से अपने करियर को एक बेहतरीन तरीका से डेवलप कर पाते हैं, आपकी नाम आपकी पहचान उस करियर के साथ पूरे समाज में पूरे आपके नियर एंड डियर में चलाने वाली होती है। तो अगर हमने फॉरएवर को कैरियर के रूप में लेके आए तो हमें इन चीजों को बिल्कुल मेंटेन करना होगा। बात करते हैं कि हम साउथ अफ्रीकन एक कहानी, एक बहुत प्यारी सी एक छोटा सा वहां पे कहानी चलती है। वहां कहानी चलती है कि अफ्रीका के जंगलों में सुबह होती है, सूर्योदय जैसे होता है ना, तो वहां पे सभी जानवर तेजी से दौड़ना शुरू करते हैं। जो सबसे कमजोर दौड़ने वाला हिरन भी है वो सबसे तेज दौड़ने वाले शेर से भी आगे निकलना चाहता है, वो आगे दौड़ता है। और जो सबसे तेज दौड़ने वाला हिरन आगे निकलना चाहता है ना, उसी तरह से जो सबसे कमजोर शेर है, जो बिल्कुल बूढ़ा है ना, वो भी जो सबसे तेज हिरन है ना, उसको वो पकड़ने के लिए उससे तेज दौड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि शाम होने तक दोनों के पास अलग अलग प्रायोरिटी है। हिरन का है कि अपने जान को बचा लेना और शेर का है कि अपने भोजन को खा लेना। हम इंसान के साथ भी ऐसी है, सूर्योदय होता है हम दौड़ते हैं, हम सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, बट दौड़ने के पीछे जो कारण होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक तो हम दौड़ते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, यानी किसी तरह से आज की जिंदगी को हम बेहतर तरीके से निकाल दे, आज मुझे कोई दिक्कत ना हो, कोई खाने पीने की चीजों में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और एक दूसरा व्यक्ति जो दौड़ता है ना वो सक्सेस के लिए दौड़ता है, उसे है कि आज मैं जितना पे हूं उससे मुझे आगे जाना है। मतलब आप इसे एक सिंपल सी छोटी सी स्टोरी के साथ आप इसे एसोसिएट कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है कि हम घोड़े को देखते हैं, एक घोड़ी के दो बच्चे हुए, एक घोड़ी के दो बच्चे हुए, बच्चे थोड़े बड़े हुए और वो दोनों बच्चे अलग अलग सेक्टर में गए। एक घोड़ी का बच्चा जो टांगा या टमटम होता है आप देखते होंगे उसके अंदर वो गया, और दूसरा जो घोड़ी का ही भाई था, बच्चा था जो सेकंड वाला, वो गया रेस के मैदान में। अब यहां पे मेन कहानी स्टार्ट होती है। जो टांगे टमटम में जुता हुआ घोड़ा है वो भी सुबह 7 बजे से लेकर रात शाम 7 बजे तक दौड़ता है, 12 घंटे लगातार दौड़ता है। और उस दौड़ने के साथ उसे क्या होता है, उसे पीठ पे चाबुक भी मिलता है। और उसका जीवन शैली क्या होता है, जब वो 7 बजे 8 बजे आता है तो उसे रूखी सूखी घास भूसा कुछ दे दिया जाता है, कोई केयरिंग नहीं किया जाता है। जबकि वो 12 घंटे दौड़ता है पर डे। दूसरा स्टोरी देखते हैं, जो घोड़ा रेस के मैदान में है वो भी दौड़ता है, वो दौड़ता है मैक्सिमम जो रेस का मैदान में जो रेस होता है वो 5-7 मिनट का होता है। वो महीना में 15 दिन में अप्रोक्सीमेट 5-7 मिनट ही दौड़ता है, 5-7 मिनट ही दौड़ता है महीना में एक बार। और ये पर डे 10 घंटे के हिसाब से महीना में 300 घंटे दौड़ता है। 300 घंटे दौड़ने के बाद भी इसे रूखी सूखी मिलती है, और उसे 10 मिनट दौड़ने के बाद भी उसका जो लाइफ स्टाइल होता है, जो उसकी जीवन में जो उसका सम्मान मिलता है वो हजारों लोगों के केंद्र बना रहता है। उसे काजू किशमिश जो भी एक अच्छा सा सेवा, उस पर 4 लोग उसको मालिश के लिए एसी रूम में रहता है, वो सब कुछ उसे मिलता है। जबकि देखा जाए तो दोनों एक ही प्रजाति के हैं, जैसे हम इंसान एक ही है वैसे दोनों घोड़े एक ही हैं, एक ही माँ बाप के दोनों घोड़े थे। दोनों दौड़ रहे हैं लेकिन दोनों की जिंदगी में जो सम्मान है, जो दोनों की जिंदगी का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है। रीजन क्या है? रीजन दौड़ना नहीं है, रीजन दौड़ने का कारण है। टांगे वाला दौड़ता है जीने के लिए कि नहीं दौड़ेंगे तो शाम को मालिक खाना नहीं देगा, और जो रेस का मैदान का घोड़ा है वो जीने के लिए नहीं, वो जीतने के लिए दौड़ता है। और जो जीतने के लिए दौड़ता है सारी दुनिया उसे सलाम करती है, सारी दुनिया उस पर दांव लगाने के लिए तैयार है,
हम भी दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो है जो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दलदल में फंसे हुए रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं कि दलदल में पूरा न डूबे, वो डूबने से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कोई पर्सन है वो दलदल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारी भी लाइफ दो तरह की है, हमें जो भी मिला अपने एसेट के रूप में, अपने माँ बाप से, अपने फैमिली से एजुकेशन मिला हो, आर्थिक चीजें मिली हो, समाज में एक सम्मान मिला हो, जो भी है, जो भी हमें विरासत में मिला, और उसको अगर हम ढो रहे हैं, अगर हम उससे उसमें बचने के लिए के और न डूब जाएं, 30,000 है तो 20,000 पे न जाए, अगर उसके लिए काम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल टांगे के घोड़े की तरह काम कर रहे हैं, तो डिफिनेट है कि टांगे के घोड़े का फ्यूचर एक दिन उसी टांगा में समाप्त हो जाएगा, लेकिन रेस का घोड़ा अपने मालिक के लिए, अपने आप के लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ के जाएगा। तो हमें आज ये डिसाइड करना है कि फॉरएवर में हम आए हैं तो टांगा में घोड़ा की तरह हमें काम नहीं करना है, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 के लिए काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए जिसे ग्रेट कहते हैं, हमें ग्रेट लाइफ स्टाइल के लिए काम करना है, हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए कि हम अपने लाइफ को ग्रेट लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर दें। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो हमारा वाई है, हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ कैसे हैं। आज भी बहुत सारे फॉरएवर में लोग बोलते हैं, बहुत आज भी हमारे इंडिया में नेटवर्किंग को एक बेहतर नजर से नहीं देखा जाता है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, हमारे नियर एंड डियर बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने पूछा था क्यों, उन्होंने कहा था आप एक स्टेबल जॉब में है और ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कि मेन आपको जॉब इनकम की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, फॉरएवर से भी इनकम आ रही है, जॉब से भी इनकम आ रही है, बिजनेस से भी आ रही है, किसानी से भी आ रही है, केवल और केवल एक ही चीज का अंतर आता है ना, जिससे लोग नेटवर्किंग से थोड़ा सा कतराते हैं, वो होता है स्टेबिलिटी का, स्टेबल इनकम का, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम 6 महीना 1 साल तक तो अच्छे कमा सकते हैं, बट 1 साल के बाद हमारी स्टेबिलिटी जो इनकम की है ना वो खराब हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, तो फिर हमारा कैरियर फिर कहीं और खोजना होगा, यहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी नहीं है। बट अगर प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, किसी अच्छा बिजनेस में अगर हम चले जाएं और वहां पे हमने 5 साल 10 साल लगा लेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन या हमारा जो बुढ़ापा आएगा उसके लिए हमें इधर से उधर नहीं होना पड़ेगा। बट आज का जो है, आज की जो अभी हम लोग देख रहे हैं इस लॉकडाउन में, सभी लोग न्यूज देख रहे हैं, सभी लोग व्हाट्सएप देख रहे हैं, सभी लोग फेसबुक देख रहे हैं, आज देखिए कि स्टेबिलिटी कहाँ है। आज प्राइवेट जॉब की स्टेबिलिटी खराब हो चुकी है, आज बड़े बड़े बिजनेस वाले जिनके 3 महीने 4 महीने से लॉकडाउन में वो फंसे हुए, वो लोग कहीं ना कहीं कर्ज में आ चुके, उनकी भी स्टेबिलिटी जो इनकम की थी वो गड़बड़ होते जा रही है। लेकिन फॉरएवर में हम जो भी है, हमारी इनकम स्टेबल है, और मुझे भी केवल अपने लोगों को प्रूव करना था कि फॉरएवर का इनकम 1 महीना के लिए 6 महीना के लिए 1 साल के लिए नहीं है, 5 साल के लिए नहीं है, ये 10 साल और पूरी लाइफ के लिए इनकम है। तो मुझे याद है कि पहला साल 12-13 में जो मैं मिलेनियर हुआ था, आज ये 19-20 भी कंप्लीट हुआ, और रेगुलर में उस मिलेनियर क्लब को मैंने मेंटेन किया है, और वही मेंटेन करने का रिजल्ट है कि मेरे जो नियर एंड डियर मुझे यहाँ पे अजीब सी स्थिति में फॉरएवर के साथ देखते थे, आज वो बिल्कुल रिगार्ड करते मेरे साथ में, हॉस्पिटल के जो भी गली कलीग डॉक्टर हैं, चाहे जो भी लोग हैं, या मेरे जो रिलेशन में सिस्टर हैं, चाहे वो सारे लोग आज मुझसे सम्मान के दृष्टि से देखती हैं, क्योंकि फॉरएवर में एक स्टेबल इनकम आ रहा है। और सबसे बड़ा चीज, मैं फॉरएवर को एक थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्हें लगता है कि करियर नहीं है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, 2 साल पहले मुझे जो दिल्ली में मकान लेना था वो लगभग मेरे बजट से ज्यादा था, 90 लाख प्लस का ये बजट था, और मेरे पास मैक्सिमम 20 से 30 लाख थे। प्रॉब्लम्स हुआ कि ये कैसे फाइनेंस होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग में का तो कोई स्टेबल इनकम है नहीं, कोई करेगा नहीं। लेकिन जब हमने अप्लाई किया और हमारा 3 साल का जो फॉर्म 16A और इनकम टैक्स रिटर्न जो दिखा, वाइफ के नाम से ये बिजनेस है, वाइफ के नाम से ये घर हुआ, तो एक बड़े से टॉप क्लास के बैंक LIC ने फॉरएवर के 3 साल के
इनकम टैक्स रिटर्न पे इसके मंथली जो स्टेटमेंट आते थे 15 के 15 उस इनकम को देखकर और ऑफिस में जाकर उन्होंने लगभग 65 लाख की फाइनेंस किया फॉरएवर की कैरियर को देख के। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि हुई फॉरएवर को कैरियर समझने के लिए। और जब ये मेरे साथ हो गया और जो भी ईएमआई जो जा रहा है फॉरएवर से रेगुलर जो जा रहा है ना, एकदम सिबिल जबरदस्त है ना, तो पिछले 3 महीना पहले हम और वाइफ और बच्चों ने डिसीजन लिया। 24 साल मेरे गवर्नमेंट जॉब को हो चुका था, 2034 में जबकि मेरी रिटायरमेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं, जॉब के मुकाबले फॉरएवर ने 10 साल में वो दिया जो पूरे आपको 24 साल के जॉब से नहीं मिला। ऐसा करते हैं कि अब आप फुल टाइम तो आप थे ही, लेकिन पूरे दिलों और दिमाग से आप फॉरएवर के लिए काम स्टार्ट करिए और जॉब से आप वीआरएस ले लीजिए। लगभग 14 साल पहले 2034 की रिटायरमेंट बदला मैं 2020 सितंबर में और मैं जुलाई में गया, वाइफ के साथ गया और जाके मैंने वहां पे वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया। जो लोग नहीं जानते थे कि मैं फॉरएवर में हूं, उन्होंने कहा कि क्या करे, 14 साल गवर्नमेंट जॉब, पेंशन और सारी चीजें हैं। मैंने कहा, और जो लोग जानते थे उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, 80-85 हज़ार रुपया की जॉब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये तो बहुत पैसे कमा रहे हैं फॉरएवर से। मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से, मेरे किसी कली ने कहा, मैं देख रहा हूँ 8 सालों से, बेटी इनकी मेडिकल की, आज वो सेकेंड ईयर में है मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज में, और जो भी इन्होंने पैसे खर्च किए बेटी की इंजीनियरिंग चाहे जो भी, वो मैं देख रहा हूँ कि फॉरएवर के ही पैसे से जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी 2-3 महीने पेमेंट आने में, अलॉटमेंट आने में बिहार गवर्नमेंट में प्रॉब्लम हो जाते थे, तो भी मेरे बजट नहीं गड़बड़ाते थे क्योंकि वो फॉरएवर था। तो यहाँ बिलीव किस चीज का हुआ, यहाँ बिलीव स्टेबल इनकम का हुआ। और स्टेबल इनकम कैसे हुआ, स्टेबल इनकम होता है जब हम अपनी टीम को रेगुलर बेसिस पे उसे नर्चर करते हैं। क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब ही होता है जाल बना के काम करना। सिंपल सा साधारण भाषा में मैं बता रहा हूं, जाल क्या होता है, जाल हजारों धागा मिलके एक जाल बनता है। अकेले धागा से हम सिंगल काम कर सकते हैं, बट हजारों धागे मिल जाते हैं ना तो उससे हम हजार गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। वो हजार धागे कौन होते हैं, वो हमारे साथ हमारी टीम होती है। जो हमने 10 धागे को लाया, 10 धागे ने अगले 10 धागे को लाया, वो 100 धागे हो गए, 100 ने अगले 10 धागे को लाया, वो 1000 धागे हो गए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, नेटवर्किंग में अगर पूरी लाइफ सक्सेस रहना है तो आपको नेट का जो रूल है उसे फॉलो करना होगा। और नेट का रूल कहता है कि आपके पास जितनी बड़ी नेट होगी उतना ज्यादा आपकी इनकम होगी। साथ में ये भी कहता है कि कुछ धागे टूट जाते हैं बीच में से, कुछ धागे फंस जाते हैं कहीं पे, कुछ धागे कमजोर हो जाते हैं, और अगर हमने 1 साल मेहनत करके कुछ धागे बना दिए, कुछ नेट बना दिया, उसके बाद हम बैठ गए चुपचाप, उनको केयर करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, उसमें से कुछ धागे टूट के ढीला होते जाएंगे, धीरे होते जाएंगे, और फिर धीरे 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 जो नेट था वो बिल्कुल जाली उसका बड़ा बड़ा होता जाएगा और एक दिन एक या 2 धागा रह जाएगा। जिनकी स्टेबल इनकम नहीं हो रही है या जिनको फॉरएवर में बहुत बड़ा लेवल नहीं अचीव कर पा रहे हैं, रीजन यही है कि वो नेट तो शुरुआत में बना लिए, 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल काम करके बना लिए, उसके बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक बात कहना चाहूंगा कि हमें रेगुलर वे में नेट को मजबूत करते रहना है। आप किसी भी मछुआरे को देखिएगा, वो लोग जाल डालते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन रेगुलर वे में उस जाल की हिफाजत भी करते हैं, उस जाल को केयर भी करते हैं। हमारी जो नेट है, हमारी टीम है। अगर हमारी टीम से किसी व्यक्ति का अगर बिजनेस कम आ रहा है तो हमें वहां पे बात करना होगा कि वो जो 4 सीसी का काम कर रहा था, जो महीने के 4 ज्वाइनिंग दे रहा था, क्या रीजन है कि वो 4 से 2 ज्वाइनिंग पे आ गया, क्या रीजन है कि वो 4 सीसी से 1 सीसी पे आ गया, क्योंकि वो केवल उसका नुकसान नहीं है, ये हमारे पूरे नेट का नुकसान है। सो हम वहां पे बात करेंगे,
हो सकता है उसके साथ कुछ फैमिलियर प्रॉब्लम्स हो रहे हो सकता है टाइम नहीं दे पा रहा हो अपनी टीम के साथ, हो सकता है किसी कारण से किसी बात से वो थोड़ा सा नाराज हो, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो, उसे एक कंधा चाहिए, उसे एक यस सपोर्ट करने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि फॉरएवर हमेशा केयरिंग से ही होता है। हमें यहाँ पे रिलेशन को मेंटेन करना होता है। जब हम बात करेंगे ना तो बोलेगा सर ये बात है, कोई बात नहीं मैं आपकी टीम से बात कर रहा हूँ, ये व्यक्ति नहीं कहाँ प्रॉब्लम है ये कर रहा हूँ। यानी कि हमें रेगुलर वे में अपने नेट को मेंटेन करना होगा, तभी हमारी इनकम जो होगी वो हमारी स्टेबल होगी। सिंपल सा मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे फॉरएवर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे एक बात समझ में आ गया था कि मुझे यहाँ पे रिटेलर नहीं बनना है। अगर रिटेल करने से बहुत सारा इनकम आता तो एक्टिव इनकम हुआ, वो पैसे की इनकम नहीं हुआ। क्योंकि रिटेलर क्या करेंगे, हम केवल और केवल यूजर पे काम करेंगे और 2,000, 10,000, 20,000 इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन से हम पैसे की इनकम पे, जिस दिन से हम नेट बनाना शुरू करेंगे, उस दिन से हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, हमारी इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ लोग मल्टीप्लाई होंगे। मैंने दिमाग में ये चीज बैठा लिया था कि हमें टीम बनानी है, और टीम बनाने के लिए जैसे आज के डेट में मैं बात करता हूँ कि कहीं से भी हमारी टीम कब बनेगी, जब हमारे नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। मैं समझ गया कि हमारे बिजनेस का जो मूल मंत्र है, जो मेन इसका काम है, पावर है, वो है हमारे बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्योंकि जब तक हमारी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनेंगे, तब तक वो नए लोगों की ज्वाइनिंग नहीं ला सकते हैं। जब तक वो नए लोगों की ज्वाइनिंग नहीं लाएंगे, तब तक जो उनका 2 घंटे या 1 घंटे के काम है, वो 2 घंटे के काम 10 घंटे में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अकेले काम कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके घंटे कम होते चले जाएंगे, लेकिन अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए तो डिफरेंट है कि उनकी जो इनकम है वो 35% पे चली जाती है, नए लोगों से उनको 20% आना शुरू हो जाता है। तो ये जो इनकम है, जो उनको एक मोटिवेशन मिलता है ना, वो बेहतर होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, हमारा ही कल एक छोटा सा बच्चा हो तो क्या वो पहला दिन जिस दिन जन्म लेता है क्या उसी दिन बड़ा हो जाता है? नहीं होता है। वो पहले एकदम बिल्कुल बच्चा होता है, उस दिन उसे क्या होती है, उसे सबसे ज्यादा जिसने जन्म दिया है उस माँ का केयरिंग की जरूरत होती है, पापा की, अंकल की, दादा की केयरिंग की जरूरत नहीं होती है। उस बच्चे को केयर करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस माँ को, जो अपने फीडिंग कराते हुए उसे धीरे 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 डेवलप करना शुरू करती है। 2 से 3 महीने उसे फीडिंग कराती है, और 3 महीना होते होते फिर उसको थोड़े थोड़े लिक्विड बाहर से देना स्टार्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है 2-3 महीने में धीरे 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 बेहतर होना शुरू हो जाता है, जहां पे वो उसे डाइजेस्ट करा सकती है। जैसे जैसे वो फीडिंग और साथ में कुछ लिक्विड देते देते 8 से 9 महीने का जब बच्चा होता है, चलने लगता है, उसके दांत आने लगते हैं ना, तब उसे हम थोड़े रॉ चीजों पे उसे लाना शुरू कर देते हैं, थोड़े चावल, थोड़े दाल, थोड़ी सब्जी, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, यही बच्चे का बड़ा होने की बात होती है। उसी तरह से हम फॉरएवर में अगर किसी को, जो भी आदमी अपने किसी को ज्वाइन कराता है, वो हमारी टीम नहीं, वो हमारा बच्चा है, हमारा दिल का टुकड़ा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, वो एकदम बिल्कुल अभी नया है, उसने कभी किसी के नो को नहीं सुना है, वो ट्रेनिंग मीटिंग्स को अभी नहीं जान रहा है, वो हमारे विश्वास पे, हमारे हाथ पकड़ने पे, मैं हूं तुम्हारी लाइफ को बेस्ट करने के लिए, मैं साथ में हूं, वो साथ का जो केयरिंग का जो एक रिलेशन का जो मजबूती होता है ना, वहां से वो आगे बढ़ता है। वहां हमें फीड करना है, वहां उसे रेगुलर बात करनी है, रेगुलर कभी एलोवेरा जेल के बारे में, कुछ प्रोडक्ट के बारे में, कभी कुछ मार्केटिंग प्लान के बारे में। वो जब भी अपने घर पे डेमो के लिए बुलाए, उसके पास जाना है, वो लोगों से परिचय कराएगा, उसमें 2-3 मिनट वो बोलेगा, हम 10-20 मिनट बोल के उसे नए नए लोगों को उसके नीचे ज्वाइनिंग कराने की कोशिश करेंगे, उनको उनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, उनकी टीम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इसी में जब उसको अच्छा इनकम आना शुरू होगा, कुछ लोगों का ये से नो सुनो सुनेगा, कुछ लोगों को जो प्रोडक्ट यूज कराएगा, जो कि वो डायरेक्ट अभी जाएगा तो पूरी तरह से सभी लोग उसके साथ प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमारा सपोर्ट रहेगा, एक अपलाइन जो जिन्होंने
कंपनी में उसे लाए हैं, जब उनका सपोर्ट होता है तो हमारा जो अनुभव होगा 1 साल 2 साल 5 साल का, उससे बेहतर तरीके से हम सपोर्ट करके उस प्रोडक्ट के पूरे फायदे को बताते हुए हम उसके नीचे उसे सपोर्ट करेंगे। धीरे धीरे वो उन सारी चीजों को सीखता जाएगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना में वो किसी दिन अपने से 1-2 ज्वाइनिंग लाना शुरू करेगा, 6 महीना बाद वो सुपरवाइजर हो जाएगा, वो अपनी एज के और अपनी टीम को संभालना उसको स्टार्ट हो जाएगा, तब हम वहाँ उस पर क्या करेंगे, रिटेंशन के बाद हम उसके प्रोडक्टिविटी पे काम करने के साथ साथ डेवलपमेंट, फिर हम उसके लेवल पे बात करेंगे, और पूरी लाइफ एक बच्चे बच्चा की तरह, क्योंकि वो कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो तो रहेगा हमसे अनुभव में छोटा ही, तो एजुकेशन जितना बड़ा हो जाए लेकिन हमने उसे लाया था, हमने बहुत सारी चीजें उससे ज्यादा अनुभव ले चुके हैं, तो उसे हमेशा केयर करते रहना है एक रफू मास्टर की तरह, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स उसके बिजनेस में आ रहा है एज ए सीनियर एज ए अपलाइन हम उसे मैनेज करना है। ये फॉरएवर का एक सिस्टम है, और कहते हैं कि फॉरएवर में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन मुख्यतः हम 6 लोगों पे बात करेंगे, जो फॉरएवर में हमारे साथ जो लोग एसोसिएट होते हैं, जो हमारी टीम बनते हैं, एंटायर टीम में वो 6 टाइप की टीम होती है। पहला जो टीम होती है ना वो यूजर होती है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं किसी के दरवाजे पे 90% लोगों के दरवाजे जो हम लोग खटखटाते हैं ओपन होता है वो हमारे प्रोडक्ट के दम पे ही होता है। तो कुछ लोग यहाँ पे हमारे यूजर बन के रह जाते हैं, और यूजर का सबसे बड़ी चीज है कि वो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स को वो नहीं जाना चाहते, वो कहीं और अपनी करियर को बना चुके होते हैं, इसके मार्केटिंग प्लान से उन्हें मतलब नहीं होता, उनके प्रोडक्ट से मतलब होता है, वो हमारे लिए एक अच्छे यूजर होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस माइंडेड होते हैं, वो कभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना पे कोई व्यक्ति से उन्होंने बात किया अचानक से, और कोई शैम्पू कोई पर्सनल केयर में आपके टूट जेल लिप बाम या एलोवेरा जेल उनके पेट की चीजों को देखते हुए या कुछ भी हनी उन्होंने उसे देख के आपसे बात करा के उन्हें 2-4-5 हज़ार की उन्हें प्रोडक्ट उन्होंने दिला दिया। ये कभी 2 महीना पे कभी 3 महीने पे कभी 1 महीना पे करेंगे, आप इनके साथ जब भी बात करेंगे तो ये बोलेंगे नहीं मैं बिजी हूँ, ठीक है मैं आऊंगा मैं टेंस में आऊंगा, लेकिन वो नहीं आते। ये बिजनेसमैन टाइप के लोग होते हैं जो फॉरएवर में केवल और केवल शुद्ध मुनाफे के लिए आते हैं। पहला आपके जो आते हैं वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए आते हैं, वो एज ए यूजर होते हैं जो हेल्थ के लिए आते हैं। दूसरा जो आते हैं वो कभी कभी पैसे के लिए आते हैं कि साइड से भी अगर कुछ पैसे आ जा रहे हैं 10 काम करो तो चलो एक फॉरएवर से भी पैसे आ जाने चाहिए, वो दूसरे टाइप के लोग होते हैं। तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं जो हम लोग जैसे लोग होते हैं वो यहाँ पे करियर के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज के डेट में बिजनेस से बेहतरीन करियर कहीं पे नहीं है, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि 42 साल से चल रहा है, पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में एकदम अजमाया हुआ बिजनेस है, लाखों करोड़ रुपये की इसमें इनकम है, तो वहां पे वो करियर के रूप में आते हैं। और करियर वाले जो आते हैं ना वो हमेशा याद रखिएगा वो लेवल पे बात करेंगे, वो एस है तो सुपरवाइजर पे बात करेंगे, सुपरवाइजर है तो एम पे, एम पे मैनेजर पे, मैनेजर पे तो अपने आपसे बात करेंगे ईगल के लिए, सीनियर ईगल के लिए, शोरिंग के लिए, सफायर के लिए, इंटरनेशनल टूर के लिए, डोमेस्टिक के लिए, कार प्लान के लिए, मिलेनियर के लिए, जितनी चीजें उसके लिए वो बात करेंगे, यानी कि वो 24 घंटा सोते जगते वो केवल और केवल फॉरएवर की बात करते हैं, वो करियर के लिए होते हैं। चौथे लोग जो आएंगे इसमें वो लोग झिकझक टाइप के होते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर 2-3 महीने में कुछ नया काम करके एक अनुभव लेके चला जाना उन्हें मजा आता है। जैसे कितने भी खिलाड़ी को आप कभी कभी देखते होंगे फुटबॉल भी खेल लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, चेस भी खेल लेते हैं, कैरम भी खेल लेते हैं, बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, जिम भी चले जाते हैं, यानी कि उनको कहीं किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस एक अपने इंटरटेनमेंट के लिए। वैसे भी लोग आएंगे जो 2 सीसी करेंगे, 2-4 लोगों को लाएंगे, 2-3 महीना 4 महीना वो झिकझक करेंगे फिर निकल जाएंगे। पांचवा टाइप के जो लोग होते हैं वो साइलेंट मोड वाले होते हैं, उन्हें ना फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, ना करियर है, ना बिजनेस में है, ना झिकझक है, वो केवल और केवल हमारे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए फॉरएवर को सुन रहे होते हैं। आप उनको जितना फॉरएवर के व्हाट्सएप पे भेजें, उनको जितना 1 घंटा 2 घंटा सुने वो ना नहीं कहेंगे, लेकिन जब कहेंगे कि टूट जाए तो अच्छा ठीक है मैं करूंगा, ठीक है मैं कल देख रहा हूँ, थोड़े से पैसे की प्रॉब्लम है, बिटिया की शादी हो जाए, भाई के यहाँ जाना है, भतीजा के यहाँ जाना है, ट्रेनिंग्स में आ जाओ, अरे आने वाला था अचानक से बॉस का फोन आ गया, ये हो गया। वो लोग साइलेंट मोड वाले हैं, वो कभी आएंगे भी नहीं लेकिन आपका एक वैल्यू करके जाएंगे। और छठा जो लोग होते हैं ना वो सिस्टम ब्रेकर होते हैं,
वो फॉरएवर में तेजी से गर्मजोशी के साथ आएंगे और एक महीने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ और सिस्टम से एसोसिएट चीजों के साथ उन्हें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। या तो उन्हें अपलाइन के चीजों को नहीं काम करते कुछ ऐसी चीजों में आ जाएगी, प्रोडक्ट में आ जाएगा कि 1 लीटर का क्यों है, 100 ml का क्यों नहीं है, ऑफिस एक ही एस्टेट में क्यों है, 2 ऑफिस क्यों नहीं, 3 ऑफिस क्यों नहीं, प्रोडक्ट क्यों नहीं टाइम पे पहुंचते हैं, ये इसका मार्केटिंग प्लान ये क्यों, वो सारी चीजों के साथ एक कंप्लेन के साथ आएंगे। और ये यही 6 टाइप के लोग होते हैं और ये जितने भी नए हों उनकी भी टीम में ये 6 टाइप के लोग आएंगे। जितने भी पुराने लोग हैं हम सभी इस 6 टाइप के लोगों के साथ मिल चुके हैं, पिछले 10 साल का मेरा अनुभव है। शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आता था बट आज का एक्सपीरियंस कहता है, मैं हमेशा पूछता था, उस समय मुझे लगता था कि मुझे जो काम करना चाहिए वो केवल और केवल जो करियर लेके आए उनके साथ फॉरएवर पे काम करना चाहिए, ये 5 लोग मेरी टीम में न रहे तो ज्यादा बेस्ट है, पहले मैं सोचता था। बट मैं आज सोचता हूँ कि नहीं, वो 6 हमारे लिए बेस्ट है। सबसे पहली बात है कि कुछ लेके नहीं जा रहे, कुछ दे के जा रहे हैं। कैसे, सपोज एट हमें सुपरवाइजर बनना हो और हमें 25 CC की जरूरत हो, करियर वाला जो व्यक्ति है वो अपने नीचे एस बनाएगा, टीम बनाएगा, उसके मल्टीपल होंगे टीम, उसके लोग मल्टीपल होंगे और वो जो सीसी होगा ना वो एक टारगेट लेके काम करेगा और उसने 2 महीना में 20 CC का टारगेट उन्हें अपने बिजनेस अपना नीचे दिया, मेरे पास 20 आ गए, 5 CC की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 5 नहीं रहते तो मेरे 5 CC नहीं आते, उसमें से क्या होगा कि उस मंथ 2-3 यूजर मिलके 1,500 CC का RG और एलोवेरा जेल का ऑर्डर कर देते हैं तो हमारे 1.5 CC हमारे यूजर से आ जाते हैं, 20-1.5 हमारे 21 CC हो गए। जो झिकझैक वाला व्यक्ति आया उसने डायरेक्ट 2 CC से एकदम बिल्कुल प्रोडक्ट लिया और अपने नीचे 2 ज्वाइनिंग भी 2 CC का डाल दिया तो 6 CC वहां से आ गए, 27.5 CC। साथ में जो सिस्टम ब्रेकर है वो गुस्साएगा, बस केवल उसको सुना, हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, उनके साथ बस नहीं करना है, उनको हमेशा यस माना है, ठीक है इसके लिए हम करेंगे, इसके लिए सोचेंगे, क्योंकि क्यों, क्योंकि रिलेशन को तोड़ना नहीं है हमारा बिजनेस, नेटवर्किंग हमेशा याद रखिएगा कि रिलेशन पे चलता है। और फिर वो उन्होंने 2-4 जेल का 1 CC का उन्होंने ऑर्डर कर दिया, वो आ गया। जो बिजनेस वाले हैं अचानक बोलेंगे, सर एक आदमी को 6 जेल चाहिए, सर एक आदमी को 2 हनी चाहिए, फिर आप वहां पर उनके बिजनेस आप करा देते हैं, आप उनकी बिलिंग करा देते हैं तो आप वहां का 28 CC आपके हो जाते हैं। और सबसे बड़ा चीज साइलेंट मोड वाले के साथ अच्छा है रिलेशन, कि आप बोलिए कोई बात नहीं, आप मुझे 1-2 लोगों से बात करें, आप ठीक है आप प्रोडक्ट मत यूज, आप 2 लोगों से बात करें। हमें हर व्यक्ति के साथ सिस्टम ब्रेकर के साथ उसके तरफ पेश आना है, यानी हमेशा उसे कूल रखना है, उसे बस नहीं करना है। साइलेंट मोड वाले के साथ हमें क्या करना है कि उसके साथ कहना है कि कुछ लोगों से आप मुझे मिलवा दें। जो झिकझैक लोग हैं वो लोग 2-3 अच्छे लोगों को दे के जाएंगे, वो चले भी जाए तो भी कोई इश्यूज नहीं है, उसके लिए हमें हाई नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारा 1 AS जा रहा है ना तो अपने नीचे 2 AS को मुझे दे के गया। अब हम जो मेहनत उस AS पे करने वाले थे हम ये 2 AS हमें मिल गए, यानी 1 मैनेजर अगर कल का नहीं रहा तो उसने 2 मैनेजर मुझे दे दिया और हम जो काम यहाँ पे करना चाहते हैं वो उस फ्रंट को समझ के उन दोनों पे हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। पहले 90% आज भी जो मैनेजर है उनके नीचे जो मैनेजर्स है आप देखिएगा ज्यादातर वो 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, कभी कभी तो 10th, 11th जनरेशन उनके नीचे मैनेजर है। रीजन क्या है कि वो करियर के लिए जिनको उन्होंने ज्वाइन किया तो करियर के लिए बंदा नहीं आया था, वो व्यक्ति बाय डिफॉल्ट आ गया, बट आपकी मेहनत, आपका रिलेशन, आपका पेशेंस उसके नीचे किसी अच्छे व्यक्ति को आने के साथ साथ आप चूंकि एक नर्चर करने वाले हैं, आप एक माली हैं, आपने उसे डेवलप कर दिया और वो 10वां नंबर का जो मैनेजर है ना वो आपके फ्रंट में आके आपको सारा खुशी, सारा ड्रीम आपका पूरा करने में हेल्प किया जो आपने पाला किया। सो माय डियर फ्रेंड, हमें जो भी लोग आए उन्हें मोस्ट वेलकम के साथ स्वागत करना है, उनके साथ बेहतरीन काम करना है। और यहाँ पे डेवलपमेंट का मुझे जो लगा वो वही लगा कि हम अपने एस के साथ, अपने टीम के साथ जिन्हें भी हम ज्वाइन कराएं, हम कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उनका बिजनेस 2 CC हो जाए। 2 CC के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हम 1/3 प्रोडक्ट यूज करने के लिए लें, क्योंकि हम प्रोडक्ट अगर मैं हनी यूज नहीं करता, मैं अगर लिक्विड सोप यूज नहीं करता, मैं अगर येलो लिप्स यूज नहीं करता तो क्या मैं
अपने आए हुए घर पे आए हुए लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बता सकता था? नहीं बता सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट की खासियत मालूम ही नहीं होती। हम जिस फिल्म को नहीं देखें उसकी कहानी हम क्या बताएंगे? तो सबसे पहले हमें ये काम करना होगा ना कि अगर हम यहाँ पे कैरियर के रूप में या जिस काम के लिए फ्यूचर के लिए फॉरएवर मैन, तो सबसे पहले हमें 1/3 प्रोडक्ट यूज करना होगा। अगर दो सीसी में 1/3 का प्रोडक्ट यूज करें, 1/3 का प्रोडक्ट हम अपने पास शो करने के लिए और डेमो करने के लिए रखें, और 1/3 प्रोडक्ट जो है ना हम अपने घर पे अगर किसी ने तुरंत ऑर्डर कर दिया तो हम उन्हें दे दें। फॉरएवर में अगर हम 2 सीसी 3 सीसी का पैसे लगा रहे हैं, 10,000 20,000 का प्रोडक्ट रख रहे हैं, तो ये एक बिजनेस है, ये हमारा बेकार नहीं हो, ये हमारा फंसा नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो, जो व्यक्ति अगर आज के डेट में 1,00,000 रुपए कमाने के लिए कोई बिजनेस करना चाहता है, तो क्या वो मिनिमम कम से कम उसे 50,00,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा तब 1,00,000 का इनकम आएगा? छोड़ दीजिए, एक सिंपल से हम दुकान करना चाहें तो आज एक दुकान की कीमत भी जो होगी ना सिक्योरिटी, वो 5 से 6 लाख रुपए होगी। 2 से 3 लाख रुपए उसके अंदर हम फर्नीचर में लगाते हैं और तब जाके 2 लाख रुपया हम उसमें प्रोडक्ट रखते हैं। अगर मेडिसिन रखें या जनरल स्टोर में रखें, पर्सनल केयर में रखें, कपड़े में, किसी भी बिजनेस को आप देखो, तो 10 लाख में 8 लाख रुपया तो मेरा वहां फंसा। लोग कहते हैं फॉरएवर में मैंने 20,000 का प्रोडक्ट लेकर फंसा लिया। नहीं, फॉरएवर में आपने प्रोडक्ट का प्रोडक्ट दिखा, आपका फंसा कुछ नहीं, फंसता आपका बिजनेस में जहां पे आपके 5 लाख रुपए लॉक हो जाते हैं, जो आपने सिक्योरिटी दिया था मालिक को। आपके 2 से 3 लाख रुपए लॉक हो जाते हैं जो आपने फर्नीचर में और सजावट में खर्च किए थे, क्योंकि जो आप बिजनेस को टर्नओवर करेंगे वो 8 लाख का नहीं होगा, वो 10 लाख का होगा, जो बस केवल आपने प्रोडक्ट रखे हैं। और सोचिए, महीने का अगर 2 लाख का आप टर्नओवर ही कर लेते हैं, 2 लाख का टर्नओवर, 20% मुनाफा में भी, तो 40,000 आता है, और 40,000 में 5 से 8 हजार आपके दुकान के रेंट में चले जाएंगे, 1 का स्टाफ रखिएगा, 10,000 वहां चले जाएंगे, 4-5 हजार बिजली की बिल में चले जाएंगे, 15 से 20 हजार आपके चले जाएंगे, और 10 लाख लगाने पर मैक्सिमम आप सुबह से लेके रात तक में 20,000 रुपये कमा के घर पे आते हैं 2400 घंटा। वहां पे फंसना हुआ। लेकिन फॉरएवर में क्या आपने किया? आपने 10,000 का प्रोडक्ट यूज किया, चूंकि प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम बताएंगे। 10,000 का प्रोडक्ट आपने शो करने के लिए अपने घर में ही, कहीं आपको दुकान के पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको फर्नीचर बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। फॉरएवर का तो इनकम शुद्ध इनकम है विदाउट किसी एक्सपेंडिचर के। और 10,000 का प्रोडक्ट आपको रिटेल करने के लिए रखना है, क्योंकि अगर किसी ने मांगा तो आपको टाइम पे वो प्रोडक्ट देना होगा। और जब ये एक अच्छी आदत के साथ ये पॉइंट्स आप अपने नए लोगों को समझाते हैं कि यहाँ पे हम फॉरएवर लेके आए हैं, तो ये नहीं है कि हम यहाँ से आपसे पैसे लेने के लिए आए हैं, नहीं, हम यहाँ पे आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए आए हैं। मैं कल ट्रेन में घूमता था, आप जान रहे हो, आज मैं हवाई जहाज में घूम रहा हूँ, किस चीज से घूम रहा हूँ, व्यक्ति में वही था, 24 घंटा मेरे पास वही था, और ये दिमाग भी वही था। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब 10 सिर हो गए हैं जो मैं 10 इनकम कर रहा हूँ, सिर वही है, केवल प्लेटफॉर्म, केवल यहाँ की सोच मैंने बदल दी। जो मैं एक ट्रेन से घूमता था, आज मैं हवाई जहाज से घूमता हूँ। जो मेरे बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, आज बेहतरीन स्कूल में पढ़ते हैं। जो मैं 2 रूम के मकान के रेंट में रहता था, आज मैंने अपना मकान ले लिया। अगर ये सारा जो चीज मुझे मिला अपने काम को करते हुए, वो फॉरएवर से मिला। मैं आपको यही फॉरएवर का प्लेटफॉर्म देने आया हूँ, मैं आपको देने आया हूँ, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी का खुद का एक है मनी बैक गारंटी भी है, यानी कि यहाँ पे आपका कुछ लगने नहीं जा रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री है। आपको कभी सर झुकाने की जरूरत नहीं कि कोई आपको मार्केट में बोले कि आपका कुछ जा रहा है। आप 30,000 या 40,000 या 50,000 या 10,000 जिस इनकम पे हो, उस इनकम के साथ एक एक्स्ट्रा जो पार्ट टाइम आपका टाइम, जो ऐसे ही 1 घंटा 2 घंटा बेकार चीजों में बैठता था ना, वो 1-2 घंटा पे हम काम करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं काम तो कर सकता हूं, लेकिन सर ये नेटवर्किंग मुझसे नहीं होगा, नेटवर्क मुझे, मैं कैसे नेटवर्क बनाऊंगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नेटवर्किंग के नाम से लोग घबरा जाते हैं कि नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि हमें फॉरएवर के लिए कोई नेटवर्क बनाने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी इंसान को लाइफ में नेटवर्क बनाने के लिए जरूरत नहीं है। हमारी लाइफ की नेटवर्किंग जिस दिन हम जन्म लेते हैं ना धरती पे, उस दिन से हम नेटवर्क में आ जाते हैं। कैसे? हमने मां से जन्म लिया, मां, और अब देखिए नेटवर्किंग, मां की जो बहन हुई
वो हमारी आंटी हुई, मौसी हुई, माँ के जो उनके मम्मी पापा हुए, नाना नानी हो गए, अंकल आंटी हो गई, माँ की फ्रेंड हमारी आंटी हो गई। ये जैसे ही हमने जन्म लिया, हमने अपने एक नियर एंड डियर में, अपने एक रिलेटिव का एक नेटवर्क में हम अटैच हो गए। हमें नहीं बनाना है, पहले से, हमारे जन्म से पहले से बना था। हम क्लिच में एसोसिएट होते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं, हम जिस प्राइमरी स्कूल में जाते हैं वहां पे एक बच्चे का एक नेट बना होता है, एक टीचर का नेट बना, तो ऑलरेडी हम उस नेट में चले जाते हैं। हमारे कॉलेज का नेट बना होता है, उसमें हम चले जाते हैं। हमारे जॉब जहां करने जाते हैं, पहले से वहां 500-500 लोग काम कर रहे होते हैं, हम उस नेट में अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हम बन जाते हैं। हमारे मोबाइल में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे मोबाइल में लोगों के नंबर भरते जाते हैं, हमारा प्लम्बर हमारे नेट में आ जाता है, हमारे होटल वाले हमारे नेट में आ जाते हैं, हमारे टीचर हमारे नेट में आ जाते हैं, सभी लोग हमारे नेट में, ऑलरेडी हमारा नेट बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, नेट फॉरएवर में आपको नेट बनाने पे काम नहीं करना, नेट बना हुआ केवल और केवल इस नेट में फॉरएवर के प्रोडक्ट की वैल्यू, मार्केटिंग की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू केवल शेयर करना है, केवल शेयर करना है। 500 लोग कम से कम एक मोबाइल में होंगे, 100 लोग कम से कम एक मोबाइल में होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग जिंदा हैं, हमारे पास वो है, बस केवल उनके साथ एक शेयर करना होता है। और शेयर भी कोई नया नहीं कर रहे, ऑलरेडी हम लोग आज तक शेयर करते आए हैं। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी और उसने एक कोचिंग ज्वाइन किया, या मेरी बेटी जो आकाश की, पहले आकाश में थी, फिर उसने नीट की, वो 2 साल से तैयारी कर रही थी। पिछले साल मैंने उसे कोटा भेजा था 2018 में, और वो कोटा में उसने 590 नंबर लाया था नीट में, यानी टॉप में उसे ऑल इंडिया रैंक भी मिला, और उसका बिहार से भी उसका MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिला। अब मैंने क्या किया, कोटा वाले ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया, या जिस वो इसमें रहती थी जिस रूम में, उसने भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, लेकिन मेरे जितने भी कलीग हुए, मेरे जितने भी लोग थे जिनके बच्चे को इंटर के बाद नीट की तैयारी करनी थी, मैंने सभी को एलन के बारे में बताया कि आप एलन में जाओ, एलन में 100% रिजल्ट आएगा, वहां जाना तो जवाहर चौक पे, यहाँ पे काम करना। तो ऑलरेडी हमने किया और उनको एक भलाई के तौर पे किया। तो अगर हमें शैम्पू से, जो जो शैम्पू से अगर हमारे बालों को फायदा हो रहा है, हमारे स्किन को, हमारे प्रोपोलिस क्रीम एलोवेरा जेली से फायदा हो रहा है, हमारे हनी को हमारे बॉडी में फायदा हो रहा है, हमारे एलोवेरा जेल से हमें फायदा हो रहा है, तो हम अपने नियर एंड डियर को जब सभी फायदे की बात बताते हैं, इस फायदे की बात बताने में हमें टेंशन है। तो जब हमें नेट बना हुआ है, हमें केवल शेयर करना है, शेयर करना है, और पर डे सुबह मॉर्निंग में अगर हम शेयर करना शुरू करेंगे तो बेस्ट है। और इसी के साथ मैं एक छोटी सी कहानी के साथ, अर्जी ले रहा हूं, छोटी सी कहानी के साथ मैं इसे समापन करूंगा। सिंपल कहानी है कि एक विदेश की बात है, यूएसए में एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो घर बनाती थी, बहुत अच्छी कंपनी थी प्रॉपर्टी वाली जो घर बनाती थी। उसके एक चीफ इंजीनियर थे, और जो भी घर बनता था उसी चीफ इंजीनियर के देखरेख में बनता था, जो कि उस कंट्री में सबसे टॉप क्लास में वो घर बनता था, और उसी चीफ इंजीनियर के देखरेख के कारण वो कंपनी दिनों दिन वो तरक्की कर रही थी। एक दिन काम करते करते 34-35 साल हो गए, अब वो थोड़ा सा थक गए वो चीफ इंजीनियर साहब, तो उन्होंने सोचा कि मैं VRS ले लूं, रिटायर ले लूं। तो कंपनी के मालिक के पास गए और जाके बोले, सर ऐसा है कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया, अब मुझे प्लीज रिटायर करना है। उन्होंने कहा, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप रुक जाते। उन्होंने कहा, नहीं नहीं सर, अब मुझे फैमिली के साथ इंजॉय करना है। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तो ऐसा करिए कि आप कल आइए, कल हम आपके एप्लीकेशन पे बात करेंगे। वो एप्लीकेशन सुबह में आए, फिर दिए। उन्होंने कहा, ऐसा करिए कि आप तो एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम इसे स्वीकृत कर रहे हैं, बट आपको 2-3 महीना हम रोकेंगे। उन्होंने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि अभी इस देश का एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अपने लिए एक घर के लिए उसने ऑर्डर किया है, और हम सोच रहे हैं कि जब आप रिटायर हो रहे हो ना, तो आप अभी तक जितने भी घर बनाए उससे सबसे बेस्ट ये घर बनना चाहिए। आप हमारी कंपनी के जो जमीन है आप देख रहे हैं, आप वहां चूज कर लीजिए, और जितना बेस्ट मटेरियल लगाना, पैसे की कोई इशू नहीं। उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट मकान चाहिए, तो हम भी चाहते हैं कि आपका जो लास्ट मकान हो ना, वो इस देश में देखने लायक हो, उन्हें वो गिफ्ट करना है। वो तो बोले, ठीक है सर,
अंदर से के पूरा परिवार ने पूछा क्या हुआ। अरे पूछो मत, ऐसा था कि मैं सोचा था कि आज का वो इस्तीफा हो जाए, सारे पेमेंट आ जाएंगे तो कल हम लोग घूमने निकलेंगे, और बिल्कुल वो तो 3 महीने के लिए फिर उसी पुराने काम में मुझे फंसा दिया। अजीब सा मुझे लग रहा है। उन्हें वाइफ ने कहा चलो कोई बात नहीं, इतने साल का रिलेशन है, लास्ट काम है, कर दो। उन्हें कहा चलो ठीक है, लेकिन अंदर से तो नाराज थे। उनको तो लग रहा था कि ये मैं क्या काम करूं, तो मुझे रिटायर हो जाना है, मुझे इस काम से कोई मतलब है नहीं, ये जबरदस्ती का काम मुझे मिला है। अब अंदर से उनका जो इच्छा था, जो एक अट्रैक्शन था जो इसके पहले था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। और वो एकदम रिलैक्स मूड में गए। जैसे भी उन्होंने अपने शिष्य में भाई देख लेना, एक जमीन किसी तरह मिला, और उन्होंने जल्दी जल्दी 3 महीने बदले, उन्होंने 1.5-2 महीने में उस काम को पूरा कर दिया। बाद में पेंट उन्ट करा उरा के और जाके गए शाम को, बोले ये चाबी है और मेरा काम हो गया, कल मुझे आप रिटायर्ड के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिया। मैंने कहा ठीक है, बट आप इतने बड़े कंपनी के चीफ इंजीनियर है, तो ऐसा करते हैं कि कल एक भव्य आयोजन में ही हम लोग आपको एक विदाई समारोह होता है। उन्होंने कहा ठीक है, पत्नी और बच्चों के साथ हुआ है, आए, सब कुछ हुआ, उनके बारे में सब समारोह में बोला गया। मालिक ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही कि आज जो ये अरबों रुपए का जो ये बिजनेस दिख रहा है, सब इसी चीफ इंजीनियर से आपका, इन्होंने जो भी अभी तक का काम किया वो पूरे दिल से किया। तो हम लोगों ने सोचा कि जब ये पूरे लोगों के लिए, नए नए लोगों के, अजनबी लोगों के लिए, इस कंपनी के लिए उन्होंने इतना ईमानदारी से एक खूबसूरत खूबसूरत बहुत अच्छे अच्छे मकान दिए, जो उन्होंने हजारों लोगों को अच्छे मकान दिए, क्या उनका रिटायरमेंट इस कंपनी से एक मकान के साथ नहीं होना चाहिए? सो इसलिए हम लोगों ने अपने सारे मैनेजिंग डायरेक्टर लोग मिलकर हम लोगों ने बात किया कि उनको सबसे महंगी, सबसे आलीशान, सबसे बेस्ट मकान उन्हें गिफ्ट किया जाए। और इसलिए चूंकि ये सरप्राइज देना था, इसलिए हम लोगों ने उनको नहीं बताया कि आप अपने लिए बना रहे हैं। हमने कहा था कि आप लास्ट मकान बनाइए और वहां पे इन चीजों के साथ आइए और देख लीजिए। जैसे ये चाबी इनको दिया जाता है, जैसे ही उन्होंने चाबी लिया, बेचारे बिल्कुल वहीं पे बेहोश होकर गिर गए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि उसमें उन्होंने लकड़ी से लेके सभी कुछ खराब चीजों को दिया था। सो माई डियर फ्रेंड, हम जो फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये रेक्स सर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम किसी अपने अपलाइन, किसी डाउनलाइन, किसी ब्रदर लाइन के लिए नहीं कर रहे हैं। ये फॉरएवर जो इनहेरिट बिजनेस है ना, हम अपने बुढ़ापा के लिए, अपने अगले पूरे जिंदगी के लिए, और साथ में हमारे पास जो हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे और जो हमारे डिपेंडेंट हैं, हम उनके लिए फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या फॉरएवर का बिजनेस उन्हें प्रॉब्लम वाली, उन्हें 50,000 वाली, 40,000 वाली गिफ्ट करना चाहेंगे, कि उन्हें यहाँ पे हम डायमंड मैनेजर के रूप में उन्हें गिफ्ट करना चाहेंगे, ये डिसाइड हमें करना है। अगर हम एथिकल बिजनेस करते हैं, एक बेहतरीन बिजनेस का डेवलपमेंट करते हैं, जिस दिन हम डायमंड मैनेजर, 25 मैनेजर लाके, जिस दिन हम इस धरती से जाएंगे ना, तो हम अपने बच्चों को 30 से 50 लाख रुपये का इनकम बिना किसी रिस्क का देंगे। सो माई डियर फ्रेंड, आप सभी सीनियर, इन चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो बिजनेस है ना, ये हमारा, हमारे बच्चे, हमारे बुढ़ापे के लिए। सो पूरी दुनिया में अगर कहीं से प्यार करना हो ना, इस बिजनेस को भगवान की तरह करना है। और इसी के साथ मैं आज के ट्रेनिंग्स को देने के लिए अपने कंट्री सेल्स मैनेजर सिंगला सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ, हमारे मुंबई सारे स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ, पूरे इंडिया में जो भी स्टाफ है, इस लॉकडाउन में भी उन्होंने अपने पूरे दिल से फॉरएवर को जिया, सारे काम को टाइम पे किया, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ, नवाज मैम को, और साथ में हमारे बिल्कुल एक भगवान, धरती के भगवान जो रेक्स सर हैं, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच।